पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए। इस दौरान हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। देश में आज से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर को प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत हुई। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बूस्टर डोज लगवाया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,79,000 से ज्यादा केस आए। 46,569 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 146 लोगों की कोरोना से मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के 5,660 नए मामले दर्ज किए गए। 358 मरीज ठीक हुए और एक मरीज की मौत हुई। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,033 पहुंच गई। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले, वहीं 1,552 मरीज डिस्चार्ज हुए। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है जहां ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले, नए वेरिएंट के 529 मामले पहुंच चुके। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 53 दर्ज किया गया है। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। 11 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, हिंदी एक भाषा नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा नहीं था, ये तो उनका एक चुनावी स्टंट था। मीणा ने कहा कि देश को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी की रैली में 7,000 कुर्सी लगवाई गई, लेकिन 700 लोग ही पहुंचे, इसलिए जान को खतरा बताकर बहाना बनाकर वापस लौट गए। कोरोना की प्रिकॉशन डोज की शुरुआत होने पर राज्यपाल कलराज मिश्र और उनकी पत्नी सत्यवती मिश्र ने राजभवन में तीसरी खुराक लगवाई। छबड़ा में बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई। पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ को पहला टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री आवास और स्टाफ में कोरोना विस्फोट हुआ। 2 दर्जन से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। सीएम सुरक्षा ड्राइवर सहित अन्य स्टाफ संक्रमित हुआ। देसूरी उपखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक चिकित्सालय में स्टेट यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की टीम ने चिकित्सालय का जायजा लिया, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। देसूरी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों और 12 वाहन चालकों के चालान काटे। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगे। सोमवार से शनिवार सुबह 8 से शाम 7 बजे तक दर्शन होंगे। दर्शन के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र और मास्क साथ ले जाना जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। माउंट आबू में बादल छाए रहने से मौसम में ठंड बरकरार। आबू का तापमान 7 डिग्री की गिरावट के साथ रविवार को -2 पहुंच गया। माउंट आबू में शनिवार को पारा 5 डिग्री था। डिडवाना में बारिश के बाद सुबह घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी कम हो गई और वहीं बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। छबड़ा में ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई। तहसीलदार जतिन दिनकर और राजस्व टीम ने फसल ग्रस्त पंचायतों का दौरा किया। टीम की ओर से मौके पर सर्वे किया जा रहा है।
छवड़ा में कुछ बदमाश नौकर को बंधक बनाकर नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। देसूरी के नारलाई गांव में निर्माणाधीन मकान से महिला मजदूर गिर गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला को उदयपुर रेफर कर दिया और इस बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जोधपुर शेरगढ़ के पास मेगा हाईवे पर एक पेट्रोल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर प्रशासन ने टैंकर को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाया।